नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है गायत्री का अवलंबन परम श्रेय कर। गायत्री उपासना से मानव शरीर में सन्निहित अगणित संस्थानों में से कितने ही जागृत एवं प्रखर होश चलते हैं। इस जागृति का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित होने में सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम से शरीर पुरुष होता है, अध्ययन से विद्या आती है, श्रम करने से धन कमाया जाता है, सत्कर्मों से यश मिलता है, सद्गुणों से मित्र बढ़ते हैं। इस प्रकार उपासना द्वारा अंतरंग जीवन में प्रस्तुत पड़ी हुई अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्तियों सजाग हो सकती है और उस जागृति का प्रकाश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता का रूप धारण करते प्रकट करता हुआ प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति संभवतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता चलता है। मानवीय मस्तिष्क में जो शक्ति केंद्र भरे पड़े हैं, उनका पूरी तरह उपयोग कर सकता है तो दूर अभी मनुष्य को उनको परिचय भी पूरी तरह नहीं मिला है। मनोवैज्ञानिकों को अंतर्मन की जितनी जानकारी अभी तक विशाल अनुसंधानों के बाद मिल सकी है, उसे वे 2% जानकारी जानते हैं। इसी प्रकार शरीरशास्त्री डॉक्टर ने बाहरी मस्तिष्क को केवल 8% ज्ञान प्राप्त किया है, शेष के बारे में वे अभी भी अनजान है। मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। उसमें सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही उसके एक चुंबकीय तत्व भी है जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। मनोबल बढ़ाने से ऐसी विद्युत धारा अंतर्मन के प्रस्तुत क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि अब तक अपने प्रयोजन में आया हुआ मस्तिष्क चुंबकीय सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियों सामने जाकर खड़ी कर देता है, जिन्हें आमतौर से सिद्धियों विभूतियों का वरदान एवं देवीय सहायता कहा जा सके। उपासना में बढ़ती गई तपस्या से द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धियों का सफलता प्रदान की, यह भावुक भक्त का दृष्टिकोण है। इसी तथ्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने में जो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी, उसने मनोबल का विकास किया। उसने अंतर्मन का प्रस्तुत शक्ति केंद्रों का चुंबकीय तत्व जगाया और उसी जागरण ने अभीष्ट सफलताएं खींचकर सामने ला खड़ी कर दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है, उसके भीतर वे समस्त देवियों शक्तियों का बीज रूप में विद्यमान रहती है जो उस विश्व में अनन्य कहीं भी हो सकती है। अनन्यत्र रहने वाले देवता अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां पूरी करने में लग रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत कामों में इतनी अधिक दिल स्पर्शती नहीं ले सके थे कि अगणित उपासकों का भक्तों की अगणित प्रकार की समस्याओं के सुलझाने में सहयोगी हो सके। हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता हमारे अपने भीतर रहने वाले देवता में ही होती है और उसी को किसी अनुष्ठान द्वारा सशक्त एवं गतिशील बनाने करने साधक को अपना प्रयोजन प्रस्तुत आप ही पूरा करना
पड़ता है। गायत्री उपासना मनुष्य जीवन को बहिरंग एवं अंतरंग दोनों की दृष्टियों से समृद्ध और सन्मुन्नत बनाने का राजमार्ग है। बाह्य उपचार से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। बाह्य जीवन की विशेषताएं छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध एवं दुर्दिन सामने आते हैं, अस्त व्यस्त कहो जाते। पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वह बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी सुस्थिर बना रहता है और भयानक भवरों का चीरता हुआ अपनी नाव पार ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना ही वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।